ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरी आई मेकअप किट कहाँ गई? स्टाफ से पूछती हूँ। वाह, ताई जी के पास बहुत अच्छा केकअप का सामान है। अगर थोड़ा केकअप मेरे मुंह पे हो जाए तो मैं पूरी हीरोइन दिखूंगी। रूही, ये क्या कर रही हो? ऐसे बिना बताए कोई किसी का सामान लेता है क्या? हाथ कैसे लगाए मेरे मेकअप को तुमने? सॉरी ताई जी। सॉरी शेफाली भाभी, पर बच्ची है, खेल तो रही थी। मम्मा। पर मेकअप खेलने की चीज नहीं है आरोही, और सिर्फ मेकअप ही नहीं, रूही आजकल सारी चीजें बिना बताए ले लेती है, दिन भर शैतानी करती रहती है। तो कौन सा बच्चा नहीं करता है भाभी? और गलती करती है तो डांट भी खाती है, सॉरी भी बोलती है, नहीं बोलती तो सॉरी बुलवाया जाता है। सॉरी ताई जी, तो प्लीज मत डांटिए। पॉपी क्या गए, सब मुझे डांटने लगे, मुझे पॉपी चाहिए पॉपी। रूही, आज मैंने आज तक कभी शेफाली को छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हुए नहीं देखा। पिछले कुछ दिनों से कुछ परेशान सी लग रही है वो। बेटा, अगर काम का उसे कुछ ज्यादा प्रेशर होना तो कह देना, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले ले, उसी के लिए अच्छा रहेगा। मैं बात करूंगा उससे। क्या हुआ बेटा जी, मुझे अचानक देखकर डर गई? ऐसा होता है जब किसी के आने की उम्मीद ना हो और अचानक कोई सामने आ जाए तो उसे देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल बंद करता है, समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। घड़ी सही करा ली जी? अच्छा है, घड़ी सही चलती है ना तो बंदा वक्त के साथ आगे चलता है। अच्छा, शादी की तैयारी कर ली जी? भूल गई तू, बिट्टू की शादी मेरी भांजी की? नहीं अम्मा, कैसे भूल सकती हूँ, कल सुबह निकलना है ना। अभीर और अभिनव जी पिछले एक हफ्ते से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, रास्ते के लिए खाना मैं बना लूंगी, आप मत बनाइए। अरे बेटा, 3 घंटे का तो सफर है। अभीर और अभिनव जी गाड़ी में बैठकर अगर खेलने भी लगे ना तो भी उन्हें भूख लगने लगती है, ये तो फिर भी 3 घंटे का रास्ता है। ये ले, अंदर लगा देंगे। ठीक है। शेफाली, रूही ने तुमसे तुम्हारा मेकअप मांगा था, ज्वेलरी नहीं, जो तुमने इस तरह रिएक्ट किया है। मैं बिना ज्वेलरी के बाहर जा सकती हूँ, पर बिना मेकअप के नहीं। All thanks to you. क्या कहना चाहती हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि शेफाली इतना मेकअप लगाती है, और तुम भी सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हो। हिम्मत है तो जाकर सच क्यों नहीं बता देते कि शेफाली को इतना मेकअप इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो शेफाली। चोटों के निशान छुपाने होते, क्योंकि रिश्तों का सच छुपाना होता है। तुम मुझे हाथ उठाने की वजह देना बंद करो, हाथ उठना बंद हो जाए। जो आदमी औरत की इज्जत करता है उसके लिए कभी कोई वजह इतनी जरूरी नहीं होती कि औरत पर हाथ उठाना पड़े।
और जो आदमी औरत की इज्जत नहीं करता उसे हाथ उठाने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती। ये हर बार तुम विक्टिम बनना बंद करो प्लीज। तुम भी जानती हो कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। यू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी। तुम देखती नहीं हो कि मुझ पे कितना प्रेशर है। हॉस्पिटल का प्रेशर, काम का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, मॉम का प्रेशर। कम से कम तुम तो समझो मेरी पोजीशन। देखो मैं मॉन्स्टर नहीं हूं, प्लीज मुझे मॉन्स्टर मत बनाओ। कभी कभी हाथ उठ जाता है, पर यू नो आई एम अ गुड हस्बैंड। हेलो, हाँ शिवांश बेटा कैसे हो? मैथ्स टेस्ट कैसा हुआ? नंबर कम आए? कोई बात नहीं। अच्छा फुटबॉल प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत अच्छे। अच्छा पापा से बात करो। हाँ है बड़ी, क्या हाल है? कहाँ हॉस्टल में कोई तंग तो नहीं कर रहा? That's my boy. Love you. पहले मॉम से बात कर। हाँ बेटा, हाँ हाँ मैं भेज दूंगी लड्डू बहुत सारे। ठीक है बाय, लव यू। सॉरी। देखो यार मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता है, पर गलती तुम्हारी थी। प्लीज तुम मुझे बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलवाना बंद करो प्लीज। अदरवाइज तुम जानती हो आई लव यू राइट, इसलिए तो तुम मेरे साथ हो ना। मैं तुम्हारे साथ हूं तो सिर्फ शिवांश के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूं मेरे बेटे को फैमिली मिले, सारे रिश्ते मिले। पर रिश्तों की कीमत इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये रिश्ता क्या है?